तो व्यूअर्स आप इस तरह से देख सकता है, जैसे हम लोग का विलेज लाइव में कहा जाए तो आपका जूम कल्टीवेशन कहा जाता है, तो आप इस तरह से नज़ारा को देख सकता है। तो बेसिकली आपका जूम कल्टीवेशन के लिए विलेज पीपल लोग आपका इसको नवंबर से लेकर दिसंबर जनवरी मंथ को जंगलों को काट दिया जाता है। आप इस तरह से देख सकता है जिस तरह से यहाँ पे गच्ची ट्रीज वगैरह को कटिंग डाउन करके रखा हुआ है। तो इसको आपको नवंबर दिसंबर जनवरी तक इसे किया जाता है, उसके बाद फिर से आपका फरवरी मार्च का समय में आपको इसको पूरा एक अच्छी तरह से लकड़ी वगैरह को इकट्ठा करके रखता है, और इसके बाद आपका इसको आपका मार्च का महीना में इसको फिर जलाया जाता है, जो बर्न डाउन किया जाता है, जहाँ पे मतलब आपका धान वगैरह डालने के लिए एकदम साफ सफाई करके, जैसे आप लोग का जंगल को जलाने के बाद इसको ये करना पड़ता है। तो फिर इस तरह से करके बहुत ही स्टेप बाई स्टेप अप्रैल का मंथ में धान को डाला जाता है। तो आप देख सकते हैं इसको मतलब अप्रैल का मंथ में पूरा साफ सफाई कर लेने के बाद में धान को डाला जाता है। तो इसके बाद आपका स्टेप बाई स्टेप फॉलो किया जाता है, जैसे आपका मई जून को मतलब धान उतने लग जाता है तो उसको साफ सफाई करके कर लेना पड़ता है। तो ऐसा कर करके आपका जुलाई अगस्त तक ये जो धान जो हार्वेस्टिंग करने का समय आ जाता है। तो इस तरह से देख सकता है बहुत ही मतलब मेहनत करना पड़ता है। ये अभी आपका खेती काट के इसको सूखने देता है, इसको सूखने के फिर इसको ये मतलब आग जलाएंगे, बर्निंग करवाएंगे, उसके बाद ही हम लोग का जो सीड्स वगैरह डाला जाता है। इस तरह से आप देख सकता है बहुत ही खूबसूरत तरीका से यहाँ पे, और आप देख सकता है यहाँ पे मतलब बहुत सा लकड़ी इकट्ठा करना पड़ता है, जैसे आप देख सकता है यहाँ पे इस तरह से मतलब इसको डायरेक्ट काट के डालने के लिए आप देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से देख सकता है जैसे पूरा खेती को काट लेने के बाद पूरा इसको गच्ची वगैरह को गिरा लेने के बाद में इस तरह से जमा किया जाता है। तो आप देख सकता है ये लोग यहाँ पे काम करते करते थकने के कारण से चाय वगैरह पी के बैठ रहा है, स्पेशली ये लोग मतलब लकड़ी को स्टोर करके रख रहे हैं जमा करके। तो इस तरह से अगर नहीं रखने से ये जब इसको जला देता है तो पूरा लकड़ी जो काला हो जाता है, तो काला होने से पहले इसलिए ये सब लकड़ी को अभी स्टोर करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अब यहाँ पर देख सकता है यहाँ पर भी मतलब लकड़ी को बुक किया जा रहा है, जो हम लोग का लोकल में इसको अवार कहा जाता है, इस तरह से करके बुक के अपना घर में स्टोर करके रखा जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीका से ये करता है, और स्पेशली विलेज लाइफ में बहुत ही तकलीफ से विलेज वाला फार्मर्स वगैरह लोग बहुत ही तकलीफ उठाना पड़ता है, ये सब काम में बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जंगल को गिरा के रखा हुआ है। तो ये आपका इसको स्पेशली मार्च का महीना में इसको जलाया जाता है, उसके बाद अप्रैल का मंथ में आपका इसमें धान वगैरह डाला जाता है। तो आफ्टर धान डालने के बाद 3 महीना समथिंग लगता है, तो आपका उसके बाद में आपका अगस्त का समय में हार्वेस्टिंग किया जाता है। और आप देख सकता है यहाँ पे फिर मतलब हम लोग का इसको लोकल में तो नाकुम कहा जाता है, तो इसको भी बनाना पड़ता है आपका, इसको ये खेती में मतलब आप इसको काम करते समय जब तक जाता है उसमें आप रेस्ट करके बैठने के लिए बनाया जाता है, देख सकता है, क्योंकि इसको भी बनाने के लिए फाउंडेशन थोड़ा मजबूत होना पड़ता है, उसको भी इक्वली मिलाना पड़ता है आपको, चारों साइड का एक पोस्ट को मिला के डालना पड़ता है तो मजबूत होने के लिए। आप यहाँ पर देख सकता है क्योंकि ये सब साइड से कलेक्ट करके इसको डाला जाता है, इसमें भी आपका अगर मजबूत वाला नहीं डालने से इसका जो मतलब कॉर्नर साइड जो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, इसलिए ये सब चीज़ को भी बहुत ही लकड़ी वगैरह को धुन धुन के डालना पड़ता है, स्पेशली जहाँ पे लकड़ी का तोड़ा कमज़ोर होता है। लेकिन हाँ, कोई कोई एरिया में तो बहुत लकड़ी वो सब अवेलेबल होता है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जिस खेत में आपका लकड़ी वगैरह थोड़ा कमटी होता है उसमें ये सब चीज़ के लिए बहुत तकलीफ मिल जाता है, तो धुन धुन के डालना पड़ता है। लेकिन होने वाला लकड़ी अवेलेबल वाला जगह के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं।